हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस, अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 3:30। इतनी सुबह सुबह हम लोग उठे हुए हैं। आप लोगों ने हमारे लास्ट व्लॉग में थोड़ा देख लिया होगा कि हम लोग अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अभी हमारी फ्लाइट है सुबह 9 बजे की। तो ऑफकोर्स हमको काफ़ी जल्दी एयरपोर्ट तक जाना भी है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो दूर वाला है और वहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी उठे हुए हैं। तो भाई, सुबह सुबह ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल काम है, और वो भी उठना। प्रियंका जो है वो खाना वाना पैक कर रही है अभी। सर्दियों के बाद उठे हैं हम लोग, और आप लोग मेरी हालत तो देख ही रहोगे। और भाई, हम लोग ऑलमोस्ट 3 साल के बाद एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। मतलब नॉस्टैल्जिया अलग लेवल का है, और ऐसा लगता है कि हम भूल ही गए हैं ट्रैवल करना, भूल ही गए हैं। बट ठीक है, अभी थोड़ा बहुत खुला हुआ है तो हम लोग फायदा उठा लें उसका। पता नहीं उसके बाद कब खुला रहेगा, कब नहीं। गाइस, सोचो अगर हम हो सकता है हम इंडिया जा रहे हो। हाँ, तो आपको अपने साथ साथ जर्नी में लेके चलते हैं, और आप भी देखना हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। yes. तो फटाफट हम लोग रेडी होते हैं, हमारे पास 10 ही मिनट है घर से निकलने के लिए। हमने 4 बजे तक जो है वो कपूर फैमिली के घर पहुँचना है, तो फटाफट रेडी होते हैं। वहाँ से हम सिंगल गाड़ी में जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू पार्क अवर कार नियर द एयरपोर्ट, तो इसलिए हमने सोचा। और वहाँ पे पार्किंग अच्छी खासी है, और हमें 6 दिन गाड़ी पार्क करनी है। तो टेस्ला के साथ थोड़ा शॉर्ट ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग आउट, और उसका बैटरी का होता है रिलेटेड प्रॉब्लम होते नहीं है, बट हमने स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड। हमने तब भी एक ही गाड़ी लेके जाना, एक ही कार लेके जानी थी, क्योंकि मतलब हमारे हाँ मतलब ऑफ कोर्स एंड इट्स वेरी कॉस्टली। तो ठीक है, फटाफट रेडी होते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलो हाँ, अब सब सोएंगे। चलो हम रेडी। हाँ, चलो भाई, जय माता दी। जय माता दी। अब भी बोलते लेट्स रॉक। खाना निकालो भाई। सरे सरे उठ के खड़े हो गए हैं सारे। Finally we are at the airport. निकलो 2.5 साल बाद एयरपोर्ट पे। भाई अभी लाइंस में लगे हुए हैं, ये देख लो। कोविड के लिए सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगी हुई है या नहीं, तो फटाफट ये दिखाते हैं और आगे चलते हैं। फाइनली एयरपोर्ट पे एंटर होंगे हम, बहुत टाइम बाद। हाँ, मैं तो बीच में US गया हूँ, बट मेरे लिए थोड़ा जल्दी है, मेरे लिए 1 साल है। सिक्योरिटी चेक हो चुका है, जिसमें हमारा गिम्बल जो हमने लेटेस्ट खरीदा है अभी, वो कम से कम 4 बार सिक्योरिटी एरिया से निकला। आई डोंट नो व्हाई, मतलब 4 बार ही आया। मे बी बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेट। क्रीम निकलवा ली, तो अगली बार से कोई आ रहा है तो क्रीम मत लाना। इतनी सी बोतल थी यार, वो भी निकलवा दी। 50 ml भी अलाउड नहीं किया। पर मैंने भी नहीं, अब क्या बात करूँ, मैंने 50 ml की रखी हुई है क्रीम, तो वाली दिखी नहीं मेरी। देखो किस्मत होती है। इतने लोगों को बता दो भाई कहाँ जा रहे हैं। नहीं बताना है, बताना नहीं है, लैंड करके बताना तो है। लैंड करके बता देंगे। नहीं अभी बता दो। तो बाय द वे गाइस, हम जा रहे हैं वन ऑफ दीज प्लेसेस, मैं बता देता हूँ। तो हमारी फ्लाइट जो है वो 9 o'clock से 9:30 के बीच में है। Now you guys can select the destination for us. और अगर जाननी ही जाननी है तो Instagram पे चेक कर लेना। ड्यूटी फ्री देखे तो अरसा हो गया था सही में यार भाई, लेकिन मतलब अलग ही फीलिंग है। वैरायटी देखो यार। हाँ, तो ये तो आती हैं, लोग इंडिया जाते हैं तो ये लेके जाते हैं, लोग यहाँ से मंगवाते हैं। प्रियंका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है प्लेन पर नहीं और बाहर ही देखती हूँ। मेरे को लगा था खाली होगा एयरपोर्ट। क्या लगा था? खाली कुछ नहीं होता यहाँ, हमारे साथ शायद स्कैम हो गया है। रियान एयर बोल के दूसरी एयरलाइन चिपका दी। हमारे पैसे वापस करो। हेलो, बोलो। रियान एयर गिव आवर मनी बैक। यस।
चलो भाई फाइनली बोर्डिंग। थक गया यार मैं तो। अगर कोई बेल्जियम से रियान एयरवेज में ट्रेवल कर रहा है तो अपने पासपोर्ट प्लीज लेके आना। सिर्फ पासपोर्ट ही चेक कर रहे हैं वो। तो फाइनली हम लोग प्लेन के अंदर एंटर कर रहे हैं। 2 साल का स्ट्रगल इस पे चढ़ने के लिए। हमको जाना था रियान में, इन्होंने दे दिया हमको लौदा, इन्होंने ले हमको लौदा दिया, चीटिंग कर दी इन्होंने। भाई ये आवाज सुनने के लिए तरस गए थे हम। ऐसा लग रहा है फाइनली वी आर बैक टू नॉर्मल लाइफ बहुत टाइम के बाद, वरना ऐसा लग रहा था कि ये लाइफ कभी वापस ही नहीं आएगी। इतने टाइम बाद फ्लाइट में बैठे हैं, उड़िया तो अजीब लग रहा है और ऐसे लग रहा था गिरा देगा और अभी भी ऐसे लग रहा है स्मूथ नहीं कर रहा है। बीच में ऐसा लग रहा था रोक दी इसने। हाँ सही में ऐसा लग रहा है ब्रेक लगा रहा है, अजीब लग रहा है ना। अरे भाई मोड़ दी साले ने। अरे तेरी गाइस वी आर एट द एयरपोर्ट ऑफ वियना और प्रियंका कुछ अपने उस पर फ़ोन पे कर रही है। तो हम लोग वियना आए हैं बाय द वे। उसके बाद हम एक और जगह भी जा रहे हैं, वो बाद में बताएंगे। सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, 2 डेस्टिनेशन है। पूरा हमारा 1 वीक का ट्रिप है तो बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको और क्वालिटी वाला कंटेंट। बकचोदी नहीं चलेगी। जस्ट टू लेट यू गाइस नो, हूएवर इज़ कमिंग फ्रॉम बेल्जियम दे आर आस्किंग फॉर द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि नॉर्मली लोगों के पास होता है अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड सेफ करके ऐप है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एंड ऑल्सो दे आर आस्किंग फॉर योर पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड, सो डोंट फॉरगेट रेजिडेंस कार्ड। बेसिकली आईडी कार्ड वहीं होता है। तो अपना पासपोर्ट लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर जगह पासपोर्ट मांग रहे हैं। क्योंकि कई लोग होता है सिर्फ अपने आईडी कार्ड लेके आते हैं तो दे विल डिपोर्ट यू बैक, सो इट्स बेटर टू ब्रिंग योर पासपोर्ट। वापस नहीं जाना है अब। सो गाइस अभी हमें हमारे होटल तक पहुंचने में बहुत जद्दोजहद हो रही है, तो हमने अभी देखा है कि हमें ट्रेन से जाना है। तो हमारी जो ट्रेन है वो लाइक 20-25 मिनट का वेट था, बट अभी हमारी ट्रेन आने वाली 5 मिनट्स की। ये बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामने इनका स्टेशन है एंड इससे आप सिटी सेंटर जा सकते हो। सो अभी हम ट्रेन लेंगे, उसके बाद हम सेंटर जाएंगे, फिर वहाँ से हम होटल जाएंगे और होटल के बाद की जर्नी फिर हम। एयरपोर्ट से बाहर आने की भी जरूरत नहीं थी, वो जो नीचे जा रहा था वो यही है, सेम है। सो वो जो प्लेटफॉर्म लॉल हो गया, पोपट कोई नहीं, सही बात है। तब मैं गाड़ी से आऊंगा ना, नहीं पर बाद में हम यही चीजों को याद करेंगे कि हमने क्या स्टुपिडिटी की थी। यही मेमोरीज होती हैं, अच्छी चीजें। और अब तो ये कंफर्म हो जाएंगी स्टुपिडिटी, क्योंकि यूट्यूब पे आ जाएगी। और ये थके हारे तो हम यहाँ रख लो, यहाँ करते नहीं नहीं तो भाई अभी हम आ गए हैं अपने होटल पे। तो हम लोग अभी वियना में हैं, जो कि ऑस्ट्रिया में है। एंड नोवोटेल सूट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन और यहाँ से हम अभी घूमने निकलेंगे। बट अगेन हमको अभी चेक इन करना है होटल में और बहुत सारे काम करने हैं। भाई होटल में अभी चेक इन करना है, भूख बहुत लगी है, फटाफट फ्रेश होंगे। आप लोगों को ऑफकोर्स हम लोग जो है रूम का टूर भी देंगे अपने, ठीक है, वो नए व्लॉग में डाल देंगे, क्योंकि अभी हम थके हुए हैं। अभी फटाफट फ्रेश होके यहाँ से बाहर निकलेंगे, अभी चेक इन भी करना है अंदर जाके। हाँ तो चेक इन वेकिन दिखा दो, बट हम बाकी कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। हाँ तो इस वाले व्लॉग के लिए यहाँ तक की जर्नी थी, बाकी अगले व्लॉग्स में बने रहे, आप लोगों को और भी चीज दिखाएंगे, पूरा वियना घुमाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। हाँ तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, सब्सक्राइब लाइक सब कर देना जो भी, ठीक है। चलो
दिस व्लॉग, विल कंटिन्यू दिस व्लॉग और आपको फिर पूरा डे वन का दिखाएंगे हम जा घूमेंगे विद रूम टूर ओके सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय डू सब्सक्राइब लाइक शेयर व्हाटएवर सब कर दो भाई ठीक है और पूरा दिखाएंगे आपको हम पहले वियना का और फिर जो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है वो भी सो टेक केयर